हेलो दोस्तों, वेलकम टू श्योर एंड प्रेडिक्शन में आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश ओडीआई जो चल रहा है दोस्तों, मैं उसका आज प्रेडिक्शन करने वाला हूँ। वॉस वर्सेस नॉर का मैच है जो दोस्तों, तो उसका मैं प्रेडिक्शन करने वाला हूँ दोस्तों, कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे, तो जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा दोस्तों। मैं जीरो से चालू कर रहा हूँ, मैंने कोई टीम क्रिएट नहीं की है, तो आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से प्लेयर होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। कई साल का हमें एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो एडम रॉशिंगटन डेफिनेटली खेलेंगे और अपनी टीम से टीम अम्ब्रोज वॉस की तरफ से, तो ये दोनों कीपर सेफ है दोस्तों, आप दोनों खिला सकते हो। वहीं पे सैम हॉर्न, एलेक्स वॉक, एडम हाउस, जोनाथन ट्रॉट, रिचर्ड डीवी, तो ये होंगे आपकी बैटिंग लाइनअप में दोस्तों, सबसे सेफ होंगे इधर। सैम हॉर्न को आप डेफिनेटली रख सकते हो, अपनी टीम में सेफ प्लेयर हैं। रिचर्ड डीवी डेफिनेटली खेलेंगे, हॉक खेलेंगे और ट्रॉट खेलेंगे, एडम हाउस खेलेंगे। इन पाँच में से कहीं तीन चार पाँच को आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप अपनी टीम में रख सकते हो दोस्तों। अदर देन इनके सिवा अगर नज़र डाला जाए कौन कौन से प्लेयर हो सकते हैं, मैं उसकी भी बात कर लेता हूँ, जिससे आपको काफ़ी दोस्तों। आप एडी पॉलर, स्टीवन क्रूक और इयन बेल और बेन डेकर्ड और रॉब न्यूटन, इनकी बात की जाए तो इनमें से कौन कौन से प्लेयर खेल सकते हैं। इयन बेल डेफिनेटली खेलेंगे, टीम के कैप्टन है। वहीं पर रॉब न्यूटन थोड़ा मुझे रिस्की लग रहा है दोस्तों, लेकिन वो भी डेफिनेटली खेलेंगे। वहीं पर आप ले सकते हो बेन डॉकेट को, बात कर लेते हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो रोरी कैलडेट को, जीतन पटेल, बेन एटन, थोड़ा रिस्की हो सकते हैं, लास्ट मैच उन्होंने खेला नहीं था तो थोड़ा रिस्की हो सकते हैं। वहीं पर वाइट को रख सकते हो आप टीम में, स्टोन को रख सकते हो, ये चार डेफिनेटली खेलेंगे दोस्तों, तो इन चारों को आप टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। अब बेन एटन की बात की जाए तो उनकी जगह पर कौन से प्लेयर को लाया गया था, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। बेन सैंडरसन को टीम में रख सकते हो, नथन बक को ले सकते हो आप वहीं पर, अदर देन इनके सिवा बाकी रिस्की हो सकते हैं। तो मैंने वो चार बॉलर बताया और ये दो बॉलर आप दोनों मिला के अपना तीन चार और पांच बॉलर का रख सकते हो दोस्तों स्क्वाड, जिससे आपको इजी हो जाएगा टीम बनाने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये टीम बना दी। अब दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो जोसू कॉब मेरे फर्स्ट चॉइस होंगे डेफिनेटली। वहीं पर बैटिंग लाइनअप मेरा सेम है, थोड़ा रिस्की टीम है, थोड़ा मैं जा सकते हो एल्सविक के साथ, जोनाथन ट्रॉट काफ़ी पुराने प्लेयर हैं, एडी पॉलक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कि, वहीं पे एडम रॉशिंगटन, तो ये आपके कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन हो सकते हैं। जोसू कॉब फर्स्ट चॉइस आपके हो सकते हो, ओपनिंग करते हो, बॉलिंग भी करते हैं, एडी पॉलक को रख सकते हो, जोनाथन ट्रॉट को काफ़ी सारा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है उस बेस पे उनको आप टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो। सैम हॉर्न, एलेक्स विकली, रॉशिंगटन, ये सारे प्लेयर को आप अपनी टीम में रख सकते हो दोस्तों, जिससे आपको इजी हो जाएगा। तो ये परफॉर्मिंग प्लेयर है, अब मैं इसी टीम को प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट मैनेज करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास 44 पॉइंट बचा है। मेरे चार बैट्समैन मैंने ले लिया दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट, अब थोड़ा टफ हो जाएगा टीम बनाना। तो यहाँ पर मैं ले सकता हूँ दोस्तों लुक प्रोटेक्टर को पॉइंट बेस पर, अभी मेरे पास 36 पॉइंट बचे हैं। ग्रेम और जीतन पटेल, रोरी कैलविंडेट, ये मेरे प्लेयर होंगे। वहीं पे एक ऑलराउंडर ले लूँगा मैं एरन थॉमस, जिससे मेरी टीम सेफ हो जाएगी। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं दोस्तों, मैंने बता दिया आप उसको इसको वाइस कैप्टन रखते हो। कीपर में आप दूसरे टीम के कीपर को भी ला सकते हो, एडम रोज को, एलेक्स वेकली, एडी पॉलक, जोनाथन ट्रॉट, सैम हॉर्न, जोसू कॉब प्रोटेक्टर, थॉमस, रोरी कैलविंडेट, वाइट, जीतन पटेल, तो ये मेरी टीम हो सकती है दोस्तों फर्स्ट। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कैप्टन वाइस कैप्टन डेफिनेटली जोसू कॉब ही रहेंगे मेरे। अगर मैं एक्सपीरियंस की तरफ नज़र डालूँ तो जोनाथन ट्रॉट को मैं वाइस कैप्टन रख सकता हूँ, परफॉर्मेंस पे एलेक्स बेल को, सैम हॉर्न को भी रख सकता हूँ मैं दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन ने, सैम हॉर्न को रख दिया कैप्टन वाइस कैप्टन, ये टीम क्रिएट हो गई दोस्तों। अगर आपको इनमें से भी कुछ चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो। अभी मेरे पास एक पॉइंट बचा है नीचे, मैं टीम एम्ब्रोज को ले लेता हूँ टीम में। अगर मुझे गेंदबाजी में और भी प्लेयर को चेंजेस करना हो तो मैं ले सकता हूँ पॉलिस्टेन को, बेन सैंडरसन को,
ये दो प्लेयर को और मैं टीम में इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ। ग्रेम वाइट को ले सकता हूँ। वहीं पे ऑलराउंडर में मैं थोड़ा ऑलराउंडर में थोड़ा क्रिस वॉक्स थोड़ा रिस्की हो सकते हैं दोस्तों। सेम ऑन एडम हाउस और जोनाथन ट्रॉट के एडम हाउस को ले सकते हैं हम। रिचर्ड डेवी को टीम में इंक्लूड कर सकते हैं। इयन बेल डेफिनेटली मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे अगर मैं उनको टीम में खिला रहा हूँ, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। और वहीं पे रॉब न्यूटन को ले सकता हूँ। अब यहाँ पर टीम में देख सकते हो आप मैंने किन कौन से प्लेयर को लिया। कीपर चेंज कर सकता हूँ। इयन बेल डेफिनेटली खेलेंगे टीम के कैप्टन। अगर इनको टीम में मिले तो कैप्टन वाइस कैप्टन रखना पसंद करूँगा ग्रैंड लीग में। रॉब न्यूटन, रिचर्ड डी, एडम हाउस, जोसू कोब, लुक प्रोटेक्टर, थॉमस, स्टोन, वाइट, सेंडरसन, तो ये इतने सारे ऑप्शन और मिल जाते हैं दोस्तों आपको टीम क्रिएट करने के लिए, जिसके कारण आप काफ़ी अच्छी टीम क्रिएट करके विन कर सकते हो। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। और दोस्तों मैं जैसे कि हर बार कहता हूँ कि मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो मे भी आपको काफ़ी सारा लॉस हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।